वाह यार, ओहो हो व्यू, अच्छा वे टू भवन, ओके ये रहा रास्ता सामने ही। हमारे पास सिंगर भी है, बीच बीच में म्यूजिक सुनना हो तो चलो 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 चलो, चलिए हमारे गुवांडी चल पड़े हैं। जय माता दी। रास्ता थोड़ा ब्लॉक है, लोग रास्ते में सो चुके हैं, लेकिन मजा आ रहा है। नाइस। तो गाइस बताना साउंड कैसी है। आईफोन में बहुत नॉइस आती थी ऐसे एरियाज में, इसमें भी आ रही होगी बट मुझे लग रहा है थोड़ी सही होगी उससे। तो छोटी सी गुफा बनाई हुई है, टनल। वाओ, स्केटिंग करते हो जाएं। गिर जाते तो थंबनेल मिल जाता। इतनी ऊपर आ गए हम। कितना खूबसूरत है, बहुत मेहनत की हो बेटा, बहुत। कैसा लग रहा है ये प्लेन रास्ता देख के? बहुत अच्छा। हाँ चलो, तो फिर अच्छा लग रहा है तो चलो चलो। हाँ जय माता दी बोलते चलो। बोलो। मुझे लगता है ना, हाँ माता मेरी परीक्षा ले रही थी। अच्छा तेरी परीक्षा क्या लेनी, तेरे नलायकों की क्या परीक्षा लेनी? अरे अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। तो गाइस ये व्लॉग जो है बिल्कुल रॉ रहने वाला है, ज्यादा म्यूजिक व्यूजिक ये वो कुछ नहीं होगा, बस आप ताकि फील ले पाओ कि जो रियल में होती है यात्रा वो कैसी होती है। तो चलिए एक आप देखिए, ये कॉपीराइट भी आ सकता है, इसको मैं थोड़ा सा काटना पड़ेगा। तो गाइज ये जो है नया रास्ता बन रहा है बता रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब उससे भी लोग आ रहे हैं यार, उस रास्ते से भी बन चुका है ये, और बहुत कम भीड़ है उस पर। वो देखिए नीचे, ये देखिए, भाई बोल रहे हैं कि प्लेट लेंगे, मेरे को भूख कम है, ओनली 70% खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे पहुंचे, एक पॉइंट है डोसा पॉइंट और इधर है खाना, और इनके मुंह में आ गया पानी। हम तो अब खा के जाएंगे, अब नहीं मानेंगे। चलो मसाला डोसा, वैष्णो देवी मसाला डोसा, लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम डोसा खाया नहीं कभी आ सकते। हम डोसा खिलाएंगे आपको फर्स्ट टाइम। गाइस इतना टेस्टी नहीं है, पर मुझे पता भी नहीं है कितना टेस्टी होता है। पुलिस चेक पोस्ट, तो लेडीज जेंट्स हो चुके हैं अलग अलग डोसा खाने के बाद। तो गाइस सनसेट का टाइम होने वाला है, और नीचे देखिए एक पता नहीं रिवर है, कौन सी है मैं याद नहीं है मुझे, दो रिवर है या क्या है पता नहीं, कमेंट करके बताना आपको पता हो तो, काफी खूबसूरत लग रही है। चलो आखिर कुक्कू पहुंच ही गई वैष्णो माता के मंदिर, वो भी पैदल, वैसे अभी 3 किलोमीटर बाकी है। जय माता दी बोलते रहो, जय माता दी, जय मुसलमान, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलते रहो, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मोटे बोलो जय माता दी, पतले बोलो जय माता दी। फाइनली माता जी के दर्शन, भवन के दर्शन होने वाले हैं। इधर आ, इधर हमारे गुआंडियों के पास, ये जय माता दी। ओए होए होए होए, ये देखिए माता का खूबसूरत भवन दिखाई दे रहा है। वाह, आखिरकार पहुंच ही गए हम। भवन रह गया 750 मीटर।
तो गाइस ये देखिए रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो शेड है ऊपर, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए ये टूटा हुआ, इधर ऊपर से पत्थर गिरते हैं। ये देखिए इन पत्थरों को, आपको आइडिया लग ही रहा होगा। और वहाँ नीचे जो है एक घर की तरह है उधर नीचे, और वहाँ पे खेत वगैरह दिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखो नीचे, ये जो है कुछ है, और साथ में खेत है जो कि जिस पे गोबर रखा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है ना। तो अभी हम लोग पहुंच गए समझो मंदिर, वो सामने ही रहा माता जी का मंदिर, और यहीं से भीड़ शुरू। मतलब लगता है लाइन में लगना पड़ेगा। सबसे पहले तो शायद हमारा सामान वगैरह जमा होगा। कैसा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा। जोर से बोलना यार, इतना हल्ला। बहुत अच्छा। चलो पहुंच ही गए आखिरकार, पहुंच ही गई भाई। आखिरकार माता ने बुला ही दिया। तो ऐसे कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग हो तो जब मर्जी चल सकते हैं, क्यों? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी में तो पहाड़ के लोग तो वही है, मम्मी ने जैसे बताया, हम तो बोला घास लेने जाते थे, गोबर उठा के जाते थे, और वो भी लास्ट दिन तक बंद। तो ये रहा केबल कार का शायद टिकट। तो अच्छा, ये खाने गए हैं कुछ? हाँ, प्रसाद। प्रसाद, अच्छा। तो ये रहा रोपवे, पता नहीं इस रात को चलता है या नहीं, लगेगा पता। गाइस बहुत ज्यादा भीड़ है, और हम ढूंढ रहे हैं लॉकर रूम ताकि अपना सामान रख के हम निकल सके। काफी भीड़ है यार, काफी। नीचे से तो लग रहा था कि भीड़ नहीं होगी, लेकिन बहुत भीड़ है। शाम हो गई है, रात होने वाली है। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हुए इधर थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, खाना खाएंगे आराम से, उसके बाद हम निकलेंगे उधर मंदिर की तरफ। अभी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, लाइन जो है उधर मंदिर से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके वो सड़क में वो पीछे चली गई है लाइन। तो कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे, फिलहाल बैठते हैं, क्योंकि रात को लेट भी हो सकते हैं हम उधर, तो कुक्कू को भूख भी लग सकती है आधी रात को, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि हमें भूख लगे थोड़ी सी, कुछ खा के ही जाएं ताकि इसे प्रॉब्लम ना हो, बाकी हम लोग तो चलो मैनेज कर लेंगे। तो गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं कहाँ, गुलाब में, और ये एक ही प्लेट में टूट पड़े हैं गवंडी साढ़े, तो अपा अपना अपना और सुनील भाई का अभी बन रहा है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़े वाले हैं ये। हाँ तो भाई खाना तो अच्छा है, आज दिन का सबसे बेस्ट खाना मिला है यहाँ पे। और इनका ये हटाओ, एक्सपोज हो गए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है और उठ चुके हम लोग, तो मैं आ चुका हूँ नहा के, और ये रहे साथ में अपना ग्रुप, तो सभी उठ गए। इधर ही सोना पड़ा था रात को इस तरह से कुछ, तो मतलब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर ठंड नहीं थी, और यहाँ पर जो है ना वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छे है, और वॉशरूम में जो है गर्म पानी भी है, और मतलब गीजर लगे हुए हैं, तो मज़ा आ गया नहा के। बाकी अभी सभी हो रहे हैं रेडी, सभी रेडी होंगे फिर चलेंगे यहाँ से। ये कंबल मिलते हैं यहाँ पे 100 रुपये जमा करवा के, अब भाई जा रहे हैं कंबल देने, और 500 रुपये इनको वापस मिलेगा। अरे फोन चला जाता अभी, तो अभी जमा कराएंगे, फिर जो 500 हमने दिया था वो हमें वापस मिलेगा। तो भाई ये देखिए अभी हम आ चुके हैं बाहर, और बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे, और मुझे नीचे लग रहा था अंदर से जैसे बाहर बारिश लगी है, हाँ ऐसी फीलिंग आ रही थी कुछ। तो ये देखिए ऊपर के माउंटेन्स, यहाँ थे हम रात को भाई, भाई रात को हम इसके अंदर घूमे हैं। तो ये देखिए, वो देखिए, वो रास्ता है दर्शन का अंदर से, वो अंदर इधर से, और यहाँ से गए थे हम रात को अंदर दर्शन करने, अंदर घूम 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 के, जो गुफा है वो इन मंजिलों के अंदर है, पहाड़ के अंदर है। तो दर्शन तो उड़ते उड़ते हुए लेकिन हो गए, अब जो है यहाँ से जाएंगे भैरवनाथ। तो गाइस अभी हम खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ऑर्डर किया है डोसा और पराठा। कैसा है पराठा? तो टेस्टी है ना। तो गाइस अभी हमें घंटों लगी लाइन में, और ये जो खुश हुए ना ऐसे, वो देखिए वो रहा मंदिर,
और ये आगे तो हमें जाने नहीं दिया इन्होंने, उधर से जाएंगे हमारे बच्चे पहली बार में। चलो भाई चलो लाइन में आ गए हम। ये रूप पे गंडोला, फाइनली गाइस हम गंडोला में बैठ चुके हैं। अच्छा तुम्हारी वजह से दो घंटे से वेट कर रहे हैं। डर मत बेटा, डर मत कोई। ओह माय गॉड, डर लगा इतनी स्पीड है इसकी। सही है। अरे अरे निकाल ले जा रहा है। और कुछ लोग देसी लोग इधर गंडोला गंडोला पता नहीं क्या क्या चिल्ला रहे हैं। इसको केबल कार बोला जाता है। रूप में मैंने तो वहाँ पकड़ा भी नहीं है कुछ। अब देखो मैं बना सकती हूँ शक्तिमान। रुको घूमने दो, दिखाओ कितना कितना रास्ता। सुनील भाई रास्ता देखना कितना बड़ा है। ये बोल रहे हैं कितना बड़ा रास्ता, देखो ये देखो, ये रहा पहला टर्न, ठीक है ये जो है इधर से आया इधर गया, ये उधर से सीधा ऊपर, ये दूसरा, ठीक है रुको दो रास्ता। कान का प्रेशर बढ़ गया। हाँ जी कितना लग रहा है फिर एकदम। ये देखो एक राउंड, ये ठीक है, ये भी है रास्ता। वो देखो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये देखो ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। तो जी भैरवनाथ के दर्शन हो गए, ये देखिए रहा श्री भैरव मंदिर। तो अपनी यात्रा होती है कम्प्लीट, चलते हैं वहां से दिखाते हैं आपको व्यू। हो गए दर्शन कंप्लीट, फाइनल यात्रा पूरी हो गई। तो गाइस ये अभी हम लोगों ने भैरव जी के दर्शन कर लिए। यहां से देखिए व्यू कितना सुंदर है, बारिश लगी। और ये नीचे रहा हेलीपैड और रास्ता, फ्लैट वाला रास्ता जिससे हम आए थे। और ये नीचे जम्मू और कटरा का व्यू, पूरा बिलिंग से जैसे लगता है ना भीड़, वैसा लग रहा है। नदियां देखो कैसे कैसे घूम रही है ऐसे ऐसे। ओए ओए डिस्को, ए मनाल भैया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ भैरव के दर्शन करने के बाद, और अभी पहुंचेंगे नीचे सांझी छत में, एक जगह है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सांझी छत। ये वो पॉइंट है जो नीचे अर्धकुंवारी से दो रास्ते कटते हैं, एक नीचे से सीधा जाता है सीधा सीधा, और दूसरा ऊपर को आता है तो हाथी मत्था की चढ़ाई बोलते हैं वो वाला। तो ये पहुंचता है सांझी छत, यहाँ से एक रास्ता जाएगा आगे स्ट्रेट जो कि मंदिर की तरफ ही मिलेगा, दोनों ही रास्ते फिर आगे मिलते हैं। और अगर आपको पहले भैरव दर्शन करने तो यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन पहले भैरव दर्शन नहीं होते हैं, है ना। ये हमारे क्योंकि पहले माता का ही करना, हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ से जाके मंदिर, मंदिर से ऊपर भैरव, भैरव से जिस रास्ते से हम उतरे हैं, मेरे हिसाब से तो आप जिस रास्ते से हम गए हैं सीधे वाले से मंदिर जाओ, हाँ सीधा मंदिर जाओ, मंदिर से भैरव जाओ, भैरव से इधर सांझी छत आओ, फिर इस उतराई वाले रास्ते को उतरो अगर आप उतर सकते हो तो, नहीं तो बहुत स्टीप है कटरा। अब बचता है यहाँ से 9 किलोमीटर, ये देखिए। चलो बैठ जाओ कहीं भी, सॉफ्ट लिए यहाँ पे कुकू लेनी है सॉफ्टी, मैं ले लूंगा कॉफी अमूल से। चलिए हमने कॉफी और आइसक्रीम। तो ये जा रहा है मंदिर की तरफ रास्ता, यहाँ से हम लोग आए और यहाँ से अब जाएंगे नीचे। तो चलिए थोड़ी देर धूप में बैठते हैं और कूल कूल कॉफी का मजा लेते हैं। वो हलवे की लाइन, ओ भाई बहुत लंबी है ये तो। प्रसाद, तो देखिए सामने लिखा हाथी मत्था, तो ये है हाथी मत्थे की चढ़ाई। अब मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे ज्यादा चढ़ाई। अरे अरे आई साइड किधर से आया घोड़ा। तो ये रास्ता मेनली घोड़ों का है, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं, घोड़ों से थोड़ा संभल के चले। हाँ घोड़े बहुत स्ट्रांग है भाई, एक नंबर के। ये देखो ये होते हैं घोड़े दोस्तों। यहाँ पे जो है ना रूल रेगुलेशन मतलब थोड़े बहुत खराब तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सही है जनसंख्या है तो फिर। हाँ क्योंकि हम यहाँ पे ये है कि जैसे लाइनों में लगे हैं तो पीछे से पुलिस वाले वीआईपी के जिनके मतलब थोड़े बहुत लिंक है वो घुस जा रहे हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो कोई नहीं आ रहा है। और बाकी घोड़े वगैरह के भी रेट फिक्स है, और उसका ये था ना क्या बोलते हैं उसको हेलीकॉप्टर, उसका हेलीकॉप्टर का मैंने सुना था कि 1800 रुपये की टिकट है, और नीचे एक बंदा बता रहा था कि 2400 बोल रहे हैं या 2200 बोल रहे हैं। तो मतलब छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, लेकिन
कोई भी ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं। और रास्ता देखिए आप कितना साफ सुथरा रास्ता है, एक नंबर। और यहाँ पर जो रास्ते में है ना वॉशरूम वगैरह है वो बिल्कुल क्लीन है, और हर बाथरूम में पानी मिलेगा और साबुन मिलेगा। हाँ बिल्कुल ही साफ सुथरे और रास्ता भी साफ सुथरा। तो भाई बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि अभी इतना सीजन नहीं है तो सब कुछ रात को सोने की व्यवस्था तो पता नहीं। रात को सोने की व्यवस्था, कंबल, चाहे टाइम लगेगा क्योंकि लोग बहुत हैं, लेकिन चीजें मिलेंगी पूरी। और खाने के प्राइस जो प्रिंट रेट है वही ऊपर तक मिल रहा था लास्ट तक, तो भाई प्राइस भी बिल्कुल फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है सारे के सारे जो भी धार्मिक स्थल है उन पे ऐसे ही होना चाहिए। चलो तो नहीं यार मैं नहीं पी पाऊंगा, तू पी ले। चन्ने ले। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। नीचे से सस्ते कैसे आपके रेट? नीचे से सस्ते कैसे आपके रेट? ये भक्तों के लिए नहीं, वो भी तो भक्तों के लिए है। नीचे 40-40 रुपए का है सब कुछ। कल खीरा खाया था 40 का था ना। श्राइन बोर्ड नहीं है नीचे रास्ते में? अच्छा हाँ जी, खीरा नहीं, चने चने। प्राइस तो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है यार। पूरे रास्ते में आज मिली अपने काम की चीज है ना, जो हमें मतलब पसंद है, अपनी लोकल डिश कचालू की चाट और छोले। आप अरबी समझ लो इसको, हम कचालू बोलते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं वो कचालू होते हैं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी वो अरबी होती है। तो ये देसी कचालू है और स्पाइसी है और चने, मजा आ गया। तो जो प्राइस कम था वो इसलिए क्योंकि ये श्राइन बोर्ड का वो था। जो लोगों की अपनी दुकान है प्राइवेट वो थोड़ा महंगा है क्योंकि उनको शायद किराया महंगा पड़ता होगा ना। पर महंगा इतना नहीं है, ये 20 का है, वो 40 का देते हैं। ये देखिए अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी के दर्शन करिए यहाँ से। फाइनली पहुंच गए अर्धकुंवारी। वो देखिए वहां पर माता जी के दर्शन हो रहे हैं। वहां पर मुझे दिख रहा है कि जो बोर्ड पे नंबर चला हुआ है वो है 475 और हमारे पास जो पर्ची है उसमें 500, मतलब कल चला हुआ था 300 कुछ था याद नहीं है, आज 475। मतलब शाम तक, शाम तो होने ही वाली है यार, अब मुझे लग रहा है कल तक ही बारी आएगी। तो वैसे ही 40 घंटे बताए हुए हैं, तो हम अब कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने की क्योंकि ये तो नामुमकिन सा ही लग रहा है। बाकी माता के दर्शन तो हमारे हो चुके हैं। मैं बोल ही रहा हूँ 500 475 पूरा एक दिन। चलो घर की ओर चलो। चलो कैसा लग रहा है आपको? गुफा देख चुका हूँ मैं, मेरा पेप्सी पीने को मन हो रहा है। चलो तो खाते पीते घर चलो। ये देखिए गाइस, ये जो दिख रहा है ना इस वक्त आपको, ये है असली गुफा। ये देखिए हमने रात को, ये देखिए आप भी दर्शन करिए। वैसे तो मुश्किल है जो नहीं आया होगा, लेकिन मैंने करवा दिए। तो गाइस अभी हम वापसी में जा रहे थे और नीचे पहुंचने वाले थे, उतने में बहुत तेज बारिश आई है। वो देखिए वो तूफान, तूफान ने कर दिया है हाल खराब दुकानदारों का। ये तरपाल भी टूट गई, पानी पानी हो गया पूरे रास्ते में। ये देखिए भयंकर भयंकर सीन। ओ यार गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाणगंगा और देखिए बारिश इतनी ज्यादा हुई कि भाले चले नहीं, बारिश इतनी ज्यादा हुई कि हमें जो है रेनकोट लेने पड़े। और जैसे रेनकोट लिए बारिश रुक गई क्योंकि रेनकोट देखो गीले भी नहीं हुए। हाँ इन्होंने कहा तो था पर इनको भी डांट पड़ी और लेना पड़ा। तो अभी ये देखिए नीचे पहुंच गए हम लोग, अभी जाएंगे आगे मेन गेट के पास, वहाँ से देखते हैं ऑटो वगैरह क्योंकि थक गए हैं। और बारिश बहुत तेज हो गई, ऊपर बहुत ज़्यादा हुई, यहाँ लग रहा है थोड़ी कम हुई है। वाह खूबसूरत, अब नज़ारे बढ़िया दिख रहे हैं। मज़ा आया ना यात्रा करके? बहुत मजा आया। पक्का? जोर से बोलो तो फिर। जय माता दी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी में, वहाँ से बहुत तेज हवा बारिश हो रही थी और अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। और वो देखिए ऊपर रहा मंदिर, भाई कुकू कुछ बोलना चाहेगी?
हाँ मैं बोलना चाहूंगी कि अगर माता रानी का बुलावा हो तो हम अगली साल फिर से आए और अपनी फैमिली के साथ आए अगली बार। बिल्कुल यही प्लानिंग थी वैसे हमारी, इसीलिए हम नहीं आ रहे थे कि हमने सोचा था फैमिली के साथ आएंगे, लेकिन इस बार हो गया प्लान तो हो गया, अब आ गए। फिर हम 2 से 3 हो जाएंगे, तब तक चलो अब देखते हैं कहाँ जाना है। ये मैप समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, नीचे से भी आगे मिल जाएगा, देखो कहाँ लेके जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमारी यात्रा हो गई संपन्न और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। और अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर कुछ सवाल पूछना हो कश्मीर के बारे में, कुछ जानना हो जम्मू के बारे में, तो कमेंट में जरूर पूछना, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत नॉलेज हमें है वो हम बताएंगे। हाँ बाकी अभी हम सिर्फ 2 ही बार गए और उसमें से भी हमने कोई बहुत ज्यादा घूमा नहीं है। जम्मू कश्मीर, जम्मू तो हमने बहुत ही कम घूमा, कश्मीर थोड़ा ज्यादा। और जम्मू में अभी हमने वैष्णो माता के दर्शन किए तो यार बहुत बढ़िया रहे, मजा आ गया। और अभी तक मैं जितने भी धाम वगैरह गया था या जितने भी जगह पे गया था मंदिरों में बड़े बड़े जैसे उत्तराखंड वगैरह, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बाकियों से काफी अच्छा था, तो मजा आ गया। बाकी और भी जो जगह है हम चाहते हैं कि यार वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो, ऐसा ना समझे कि हमारे इलाके को गलत बोल दिया या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि वहाँ पर जो कमी है ना वो बहुत ज्यादा है, जिससे कि लोग परेशान होते हैं। जैसे यार केदारनाथ में कितने घोड़े वगैरह मरते हैं, तो अगर थोड़ा सा रूल रेगुलेशन अच्छे होंगे तो घोड़े भी कम मरेंगे और लोग भी अच्छे से जा पाएंगे। हाँ। और कई बार लोगों की भी डेथ हो जाती है घोड़ों की वजह से, कई बार क्या वैसा इधर भी हो जाता है, लेकिन भाई सिस्टमेटिक है बहुत बढ़िया। और यहाँ के घोड़े भी बहुत अच्छे, हमने कई बार वीडियो में बोल दिया, घोड़े तो बहुत शानदार, और आपने वीडियो में भी देखा होगा, नस्ल ही अलग है घोड़े की, बड़े बड़े और खच्चर भी मतलब अच्छे खासे हैं, जो कि ठीक ठाक वेट सहन कर सकते हैं, और दौड़ते हुए जा रहे थे ऊपर की तरफ वो घोड़े भी। तो बताना सीरीज कैसी लगी, कुकू ने बोल ही दिया, तो अब सीरीज को करते हैं एंड, कश्मीर सीरीज एंड। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, तो चलिए अब आपसे सीधा मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।